काँग्रेस पक्षातील मुस्लिम नेत्यावर आरोप करणाऱ्या एमआयएम पक्षाच्या नेत्यांची अवकात नाही अशा शब्दात काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी समाचार घेतलाय. मागील काही दिवसापूर्वी एमआयएम पक्षाचे शहराध्यक्ष तोपिक शेख यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी एका प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचा मुस्लिम चमचे म्हणून उल्लेख केला होता. तोच धागा पकडत बुधवारी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एमआयएम पक्षाच्या शहराध्यक्षाच्या अवकाशीवरच प्रश्न उपस्थित करत आरोपाचे खंडन केलंय. कितने कमजोरफ है ये गुब्बारे, कितने कमजोरफ है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, कितने कमजोरफ है ये गुब्बारे जो सांसों में फूल जाते हैं, कमीने जब उरुज पर आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं. यावेळी तोपिक हत्तुरे यांनी एमआयएम नेतृत्वाचा समाचार घेताना म्हणाले, और ये पार्टी में हमारा फ्यूचर है वो हिसाब से ये लोगों ने फिर से कांग्रेस को जॉइन करके कांग्रेस में काम करने का इरादा बनाया, और ऐसे चीज को जो है अगर एमआयएम का अध्यक्ष अगर ये अगर बोलता रहे ये चमचीगिरी है तो मैं बोलना चाहता हूँ, पार्टी कोई भी हो जब वरिष्ठ के सामने हम जब काम करते तो उसके बाद का काम करना हमारे जो भी आदेश रहता पार्टी का वो आदेश का आदेश को लेकर चलना हर कार्यकर्ते का काम रहता, तो अगर ये चीज को अगर चमचागिरी बोलते रहेंगे तो आपने भी खुद 15-20 साल जो कांग्रेस में काम किए 2002 से लेकर 2015 तक, तो आपने भी कांग्रेस में चमचागिरी करके इतने बड़े बड़े पद हासिल किया क्या? आपको कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं होने के बावजूद आपको कांग्रेस पार्टी ने आपके घर में महापौर दिया, आपको इतना बड़ा बनाया. काँग्रेस पक्षात असताना मी माझा आणि माझ्या जातीचा स्वाभिमान जिवंत ठेवला होता, म्हणून तर मज्जेदीच्या प्रश्नावर नाराजी व्यक्त करत पदाला आणि पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली, तेव्हा कुठे होता या नेत्यांचा स्वाभिमान, असं म्हणत एमआयएम पक्षाचे नेते तौफिक शेख यांनी काँग्रेस नेत्यावर पलटवार केलाय. आमचे मुस्लिम समाज की जो हेडक्वार्टर की मस्जिद आहे, वो मस्जिद और कोणची पार्टी महाराष्ट्र में केंद्र में सत्ते में थी ये पूरे सोलापुर वाले हमारे समाज के दूसरे समाज के लोग भी मालूम है. हेडक्वार्टर की मस्जिद जब बंद हुई, मैं जब माइनॉरिटी के अध्यक्ष था अल्पसंख्यक का, वो कांग्रेस कमेटी में मीटिंग हुई थी, मैं एकमेव अध्यक्ष था पूरे नगर मुस्लिम नगर से, मैं ये बोला कि मुस्लिम समाज की मस्जिद जब बंद हो रही तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाते, लोग हमारे आवाज़ नहीं उठाए, और मैं ये बोला अगर हेडक्वार्टर की मस्जिद चालू नहीं हुई तो मैं मेरे पद का राजीनामा दूंगा, और ये मैं जवान का पक्का है, हेडक्वार्टर की मस्जिद चालू नहीं हुई कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं उनके विरोध उनके खिलाफ बोला हूँ, हक के लिए सच्चाई के लिए हमारे समाज के लिए कौम के लिए, मैं इसलिए पार्टी को मैं राजीनामा दिया. येणाऱ्या विधानसभेत कोणाची किती अवकात आहे हे समाजच दाखवून देईल, असं म्हणत तोपिक शेख यांनी काँग्रेस समोर पुन्हा एकदा आव्हान उभं केलंय. जब 2014 में सोलापूर शहर जिले के हमारे लोगों ने जो मुझे साथ दिया, हक का सच्चाई का साथ दिया, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूंगा उन लोगों से, तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं आह्वान भी नहीं दूंगा, क्या आवाज देने की उनकी लायक भी नहीं है, उनके जो नेते है नेते लोग के सामने मैं आह्वान दूंगा, ये कार्यकर्ता के सामने मैं आह्वान नहीं दूंगा. मफतलाल कंपनीने सोलापुरात साकारलं युनिफॉर्मचं शानदार विश्व, वन स्टॉप सोल्युशन, उच्च आणि दर्जेदार सर्व प्रकारचे गणवेश एकाच छताखाली. मफतलाल यांच्या युनिफॉर्म स्टोअर्समध्ये प्री प्रायमरी स्कूल, कॉलेज युनिफॉर्म, हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट, पोलीस, सिक्युरिटी गार्ड, हॉटेल्स, पेट्रोल पंप या सर्वांसाठीचे युनिफॉर्म, स्कूल बॅग, शूज, सॉक्स, टाय, बेल्ट, स्वेटर, स्पोर्ट्स साहित्य, ट्रॉफी, कप, मेडल, सर्व प्रकारचे शालेय व ऑफिससाठी लागणारी स्टेशनरी फक्त आणि फक्त मफतलाल यांच्या युनिफॉर्ममध्येच उपलब्ध. कॉलेज युनिफॉर्म शिलाईसोबत 599 रुपयेमध्ये, ऑफर दिनांक 5 ते 30 जून 2018, ऑफर फक्त MIDC स्टोअरकरिता मर्यादित. पत्ता युनिफॉर्म स्टोअर्स, MIDC अक्कलकोट रोड, कोठारी कंपाऊंड, पाण्याच्या टाकीजवळ, सोलापूर. मोबाईल नंबर 70-30-88-38-88. शाखा विनकशी फॅशन, गोल्डफिंच पेठ, मोबाईल गल्ली, नवी पेठ, सोलापूर. संपर्क 0217-2-74-81-33.